नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका साथी राजपाल चौधरी स्वागत करता हूं मेरे सभी नौजवान और विद्वान साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी में। सभी साथी लाइव जुड़ जाएं, नए हो तो चैनल को तोड़ मरोड़ कर सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। साथियों, नगर पालिका सफाई कर्मचारी, आप सभी को पता है कि इसमें पदों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई है और बहुत सारे साथी बोल रहे थे कि सर जो नए पद आए हैं तो वो क्या इसी भर्ती में ऐड होंगे या अलग से होगा, इसमें होने वाला क्या है। तो यहाँ पर जिन लोगों ने पहले फॉर्म भरा था और जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा था वो तो वैसे ही दुखी थे कि हमने फॉर्म नहीं भरा, इतना अच्छा अवसर था सरकारी नौकरी पाने का, वो हाथ से निकल गया। लेकिन जिन लोगों ने फॉर्म भरा था और जिन्होंने नहीं भरा था वो भी ये सोच रहे थे कि क्यों ना जो नई पोस्ट आई है इस पर हमें एक बार और मौका मिले। तो साथियों, आपको वापस फॉर्म भरने का मौका मिल चुका है, वापस आप फॉर्म भर सकते हैं। सारी पोस्टें उसमें शामिल कर दी गई है। अब जो 11,000 पोस्टें और आई थी, टोटल 24,000 और कुछ पोस्टें इसमें हो चुकी है, 25,000 के लगभग है। तो कुल मिलाकर देखे तो एक बहुत बड़ी भर्ती है 25,000 पदों पर। अब जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है वो फॉर्म जरूर भर दें, क्योंकि आपके लिए गोल्डन चांस है सरकारी सेवा में लगने का। यदि आपके पास में कोई रोजगार नहीं है या कोई प्राइवेट काम कर रहे हो तो ये सरकारी नौकरी आप हाथ से ना जाने दें, इसलिए आप इसकी तैयारी करें। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए इस भर्ती में ध्यान रखना है। मैं पूरा नोटिस आपके लिए ऑफिशियल लेकर आया हूँ, देखो पूरी जानकारी एक बार देखते हैं। राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी सेवा नियम 2012 एवं समय समय पर किए गए संशोधन के अनुसार विज्ञापन संख्या 9/6/2023 द्वारा राज्य की 176 नगरीय निकायों के लिए निकायवार विज्ञापित सफाई कर्मचारियों के कुल 13,000 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु इच्छुक निर्धारित योग्यताधारी अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। तो ये तो पहले फॉर्म भरवा लिए गए थे 13,000 जो पहले पद आए थे। अब देखो एक नया यहाँ पर और विज्ञप्ति निकल कर आई है, तो आपको बहुत बड़ी यहाँ पर खुशी होनी चाहिए। विभागीय आदेश के क्रम संख्या आप देख सकते हैं, क्रमांक है दिनांक 6 अक्टूबर 2022 द्वारा राज्य की नगरीय निकायों में सफाई कर्मचारियों के 11,772 अब नए पद निकल कर आए हैं, 11,772। देखो नवीन पदों के सर्जन के उपरांत विज्ञापन संख्या दिनांक 9/6/2023 9 तारीख को 9/6/2023 की निरंतरता में ही राज्य की 186 पहले 176 नगरीय निकाय थे, 10 नगरीय निकायों में और यहाँ पर पद आए हैं, यानी कुल अब 186 जो नगरीय निकाय है उनके निकायवार विज्ञापित सफाई कर्मचारियों के कुल 24,797 पद हो चुके हैं। ये देखो, अब देखो इससे बड़ी खुशी आपके लिए क्या हो सकती है जीवड़ा है, कितने पद हो गए भाई अब टोटल। अब अभी फॉर्म नहीं भरा है तो अब भर देना भाई, 24,797 पद हो गए। तो पदों की संख्या बहुत हो चुकी है या क्योंकि 13,000 पहले वाले और 11,000 ये कुल आपके फॉरम ये पद है ये यहाँ पर मिला दिए गए हैं, लगभग 24-25,000 पद अब हो चुके हैं। रिक्त पदों पर निकायवार संशोधित वर्गीकरण निम्न प्रकार से अधिसूचित किया जाकर पुनः इच्छुक निर्धारित योग्यताधारी अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन, यानी अब आपके वापस ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट मौका दिया गया है। जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया उनको भरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि वो संशोधन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जिन्होंने फॉर्म पहले नहीं भरा था वो फॉर्म भर सकते हैं, उनको यहाँ पर मौका मिला है, बहुत ही शानदार मौका है। 4 दिनांक 16 अक्टूबर से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, ध्यान रख लेना। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे फॉर्म कब स्टार्ट हो रहे हैं, तो 16 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और 4 नवंबर तक आपके फॉर्म है वो भरे जाएंगे, रात्रि 23:59 तक 12 बजे तक पहले आप फॉर्म भर देना, ठीक है। तो 16 से 4 तारीख तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो अब भी आपने फॉर्म नहीं भरा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि फॉर्म जरूर भरे साथियों, इसमें आपका सिलेक्शन श्योर है, क्योंकि इस भर्ती में होगा। कुछ साथी बोल रहे हैं कि सर ये जो नए पद आए इनमें भी इनमें सिलेक्शन कैसे होगा, तो दोनों पद यहां पर शामिल हो गए। अब भर्ती आपकी वो 13,000 पदों पर नहीं होगी बल्कि 24-25,000 पदों पर ही होगी, सारे शामिल हो गया सिस्टम। अब आपको गोल्डन चांस है, बहुत ही अच्छा मौका है, प्रैक्टिकल परीक्षा होगी और इंटरव्यू होगा। प्रैक्टिकल अच्छा देते हो आप, सफाई का अच्छा नॉलेज है आपको, इंटरव्यू अच्छा देते हो तो आपका श्योर सिलेक्शन है, ये मैं वादा करता हूँ आपके साथ। सफाई
कर्मचारी पद हेतु योग्यता, रिक्त पदों की संख्या, आवेदन प्रक्रिया, आवेदन शुल्क और निकायवार पदों का विवरण तथा अन्य विस्तृत जानकारी आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। ठीक है, तो आप इसका फॉर्म जरूर भरें। साथियों आगे देखो, एक कुछ साथी पूछ रहे हैं कि सर इसके प्रैक्टिकल और इंटरव्यू की तैयारी कहाँ से करें। तो कुछ ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है, आप स्टडी एग्जाम एकेडमी का अपना जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, वहाँ पर आपको सफाई कर्मचारी के प्रैक्टिकल और इंटरव्यू का संपूर्ण कोर्स मिल जाएगा, मात्र 399 में सारा कोर्स मिल जाएगा। और सफाई कर्मचारी की आपको ई बुक यदि चाहिए तो वहाँ पर एप्लीकेशन में आपको ई बुक भी मिल जाएगी, तो वो भी आप एक बार पढ़ लें, या पूरा कोर्स लेते हो तो ई बुक आपको साथ में फ्री मिल जाती है, वो भी आप एक बार पढ़ लें ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। ये आपके लिए रामबाण रहेगा भाई सिलेक्शन पाने के लिए, कोई नहीं रोक सकता। अब यहाँ पर देखो एक और आई है यहाँ पर विज्ञापन, ये यहाँ पर विज्ञापन आप देख सकते हैं जो आज के न्यूज़पेपर में छपा है। ठीक है, तो ये वही न्यूज़पेपर विज्ञापन है जो मैंने आपको पहले बताया था, इसके अलावा ये कुछ नहीं है। कोई साथी पूछ रहे हैं कि सर इसमें ऐसा क्या है, ठीक है, तो इसमें कुछ अलग से कुछ नहीं है। तो आपको 16 तारीख से 4 तारीख के बीच में इसका फॉर्म भर देना है, 16 से 4 तक। ठीक है, 16 से स्टार्ट होते हैं तो आप 30 तारीख 1 तारीख तक ही फॉर्म लगा दें, उससे पहले टाइम पर फॉर्म जरूर लगाएं। फॉर्म भरने में कोई आप मिस्टेक ना करें, ये चीज़ का ध्यान रखने लगा, फॉर्म भरते समय कोई आपको गलती नहीं करना है। अब देखो कुछ साथियों के यहाँ पर सवाल है, मैं आपको वो ले लेता हूँ, डाउट है आपके। बहुत सारे साथी पूछ रहे हैं कि सर ये दोनों पदों पर जो भर्ती है वो अलग अलग होगी या एक ही होगी, तो आपको बता दूं कि एक ही होगी। अब क्या होगी, एक ही भर्ती होगी, अब अलग अलग भर्ती आपकी नहीं होने वाली है, ये चीज़ आप ध्यान रख लेना, बिल्कुल एक ही होने वाली है, अलग अलग नहीं होगी, लगभग 25,000 पद हम मान सकते हैं। अब कुछ साथियों का डाउट है कि सर अब तो नवंबर तक तो इसके फॉर्म भरे जाएंगे, तो ये भर्ती होगी या नहीं होगी, चिंता मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, नवंबर तक फॉर्म चलेंगे, डॉक्यूमेंट्स आपके चेक होंगे, तो ये भर्ती निश्चित है कि आपके दिसंबर या जनवरी तक खिसक जाएगी, लेकिन आपकी भर्ती है वो कंप्लीट करवाई जाएगी, इसलिए आप चिंता ना करें, आप अपनी तैयारी पर ध्यान दें। इसमें देखो सिलेक्शन प्रोसेस आपके दो प्रकार की होगी, पहले तो आपके प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल परीक्षा होगी जिसमें आपको प्रैक्टिकली सफाई करवाई जाएगी, सफाई के बारे में पूछा जाएगा, झाड़ू कैसे बांधा जाता है, झाड़ू कितने प्रकार के होते हैं, टॉयलेट कैसे साफ करते हैं, कौन कौन से केमिकल मिलाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, कौन से झाड़ू का कहाँ पर यूज़ होता है, तो बहुत सारे सवाल हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। दूसरा आपका होगा भाई इंटरव्यू, साक्षात्कार। तो इंटरव्यू में आपको सफाई से रिलेटेड चीज़ें ही पूछी जाएगी, बहुत सारे सवाल बनते हैं कि और भी बहुत सारी नौकरियां हैं, आप ये सफाई कर्मचारी का काम क्यों करना चाहते हैं, तो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको वहां पर पूछी जाएगी। तो प्रैक्टिकल और इंटरव्यू दोनों आपका 50 नंबर का तो प्रैक्टिकल होगा, 30 नंबर का इंटरव्यू होगा, टोटल 80 नंबर का ये आपका एक टेस्ट होगा। इसको यदि आप पास कर लेते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। कुछ साथी बोल रहे हैं कि सर डॉक्यूमेंट कौन कौन से तैयार करें, डॉक्यूमेंट्स के लिए अभी आपको चिंता नहीं करनी है, मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें आपको बता दूंगा कि भाई इसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वो तैयार रखना है। और आपको कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सफाई कर्मचारी भर्ती की कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें स्टडी एग्जाम एकेडमी, या व्हाट्सएप पर भी अपना ग्रुप है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और आपको कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।